हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब एंड हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो होगी एक नए मेंबर के होम कमिंग के ऊपर। एक्चुअली जो है एक नया मेंबर आने वाला है हमारे घर पे। आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा आपको कि ये मैं ले रहा हूँ, इट्स अ बाइक। तो एक मोटरसाइकिल एक्चुअली मेरे सेविंग्स और पिताजी के फादर के थोड़े से पैसे ऐड करके एक मैं बाइक ले रहा हूँ। उस बाइक को आप अच्छी तरह से जानते हो, इसकी नई वर्जन जो है 2019 की, ये उसकी वाली बाइक है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो उसकी डिलीवरी भी लेंगे आज और आपको दिखाएंगे भी उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले वीडियो बनने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बताओ कि ऐसा मॉडल भी आजकल मिलता है जो मॉडिफाई है और इसमें बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अच्छा एक डील बन सकता है आपके लिए अगर आप इसे ख़रीदते हो तो ना। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो बाइक कैसा है और उसकी डिलीवरी भी करते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों, शोरूम गए थे, शोरूम से हमने जो है डिलीवरी ले ली है, बट उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जो था पेपर वर्क्स वगैरह करके, फिर उसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ का। वरना मैं आपको दिखाता कि शोरूम से कैसे हमने डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद फिर आपको मैं दिखाता उसकी वॉक अराउंड वगैरह। बट फिलहाल के लिए आप जस्ट देख लो इसका वॉक अराउंड रिव्यू। वॉक अराउंड रिव्यू बोले तो मैं बस आपको आस पास से दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है और किस कलर का है। बढ़िया से आप देखोगे और उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये 2019 की जो नया वर्जन है, 2019 की नया मोटरसाइकिल जो है बजाज पल्सर की, वो कैसी है। तो चलिए देखिए वॉक अराउंड रिव्यू इसके आप देख लो, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने देख लिया है ये वीडियो वॉक अराउंड वाला, और वॉक अराउंड के साथ साथ आपको पसंद भी आएगा ये बाइक। इस बाइक की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं मैंने लिंक में दे दिया डिस्क्रिप्शन में नीचे, लिंक पे नहीं एक्चुअली मैंने डिस्क्राइब कर दिया डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो अगर आपको बाइक पसंद आती है तो ये जो शोरूम थी जहाँ से मैंने लिया था वह उन्नति बजाज गुवाहाटी में क्रिश्चियनबस्ती में है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और मैं उस बंदे का भी जो वहाँ पे वर्कर है वो भैया का नाम भी दे दूंगा, उनका नाम भास्कर डेका है, उनका नंबर भी मैंने दे दिया हूँ। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके आप उस बाइक को खरीद सकते हो। वैसे बहुत रिलायबल बाइक है ये बजाज पल्सर 150, बहुत ही अच्छी बाइक है ये। अगर आप इसको 70-80s के आसपास चलाते हो तो ये आपको एक अच्छा टूरर भी साबित कर देगी कि हाँ इस बाइक को आप अच्छे से टूर भी कर सकते हो बहुत दूर दूर तक, अगर आप अच्छे किलोमीटर पर आवर में चलाते हो अच्छा माइलेज के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो भाई का चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर तो पहुंचा ही दो। ओके 800 अभी होने को है, पहले तो उसकी 800 करो, फिर 200 सब्सक्राइबर्स और कर दो यार, 1000 कर दो जल्दी ताकि मैं और वीडियोज़ ला सकूँ ऐसे। और सब्सक्राइब क्यों करो? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आने वाले जो वीडियोस हैं आप उसको मिस कर दोगे। और मैं ट्रस्ट मी, मैं जो आने वाले वीडियोस है व्लॉग्स हैं, जो ट्रैवल व्लॉग्स मैंने बनाने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ, और मैं घर आ चुका हूँ। तो ट्रस्ट में आप उसे मिस करना नहीं चाहोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, और बताइएगा कि कैसा लगा ये बाइक कमेंट के नीचे, और शेयर करो कि ये बाइक भी अच्छा साबित हो सकती है। ओके बाय बाय।